पिछले एक दो हफ्तों में आप में से काफी सारे दोस्तों ने Google AdX में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जिससे पहले मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि अगर ऑडियंस जागरूक है तो अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन बहुत जल्दी मेरी खुशी कपूर बन के उड़ गई जब उन्होंने पूछा कि Google AdSense की जगह Google AdX वो यूज करना चाहते हैं, Google AdX वेरीफाई कराने की कोई ट्रिक बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो। Google AdSense और Google AdX का कंपैरिजन वैसे ही है जैसे आप शाहरुख खान को SRK को KRK के साथ में कंपेयर करें। दोनों मूवी से रिलेटेड है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। सिमिलैरिटी AdSense और AdX के बीच में सिर्फ इतनी है कि दोनों गूगल के हैं और दोनों के नाम के शुरू में A और D लगा है, इसके बाद सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों ने सवाल किया था कि AdSense की जगह AdX लगा लें तो कितना अमीर बना जा सकता है, उनके लिए जवाब में निराशा है। AdSense और AdX दोनों अलग चीजें हैं, दोनों यूजफुल हैं, लेकिन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब कैमरा गरमा लिया है हमने तो पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको AdX के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आगे चल के फिर से कोई कंफ्यूज ना करे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल AdX क्या है और ये AdSense का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या डिसिमिलैरिटी है। AI से भी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी पता है क्या है? DSLR खरीदो, वीडियो बनाओ और कुछ भी बोल दो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हम 10 दिन में MBA सिखा सकते हैं, 70 मिनट में SEO बना सकते हैं और Google AdX का अकाउंट अंडे उबालने वाले के बगल में पड़ा हुआ है। हाय 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 मत करिए, वाय 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 करिए। यूथों को यूथिया बनाने वाला YouTube, यही गेम चल रहा है यहाँ पर कई सालों से। खैर, वापस आ जाते हैं गूगल AdX पर, बट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आए। ऑनलाइन दुनिया में एड्स के गेम में गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है। बच्चे सोचते हैं कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, एडल्ट्स जानते हैं कि गूगल एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है, लेकिन लेजेंड्स समझते हैं कि गूगल एक नहीं दो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। पहली एजेंसी है छोटू प्लेयर्स के लिए जो गूगल AdSense और गूगल एड्स को मिला के बनती है। एक तरफ है छोटे एडवर्टाइजर्स जिनको अपने एड्स चलवाने होते हैं, जो गूगल एड्स पर जाते हैं और अपने प्यारे प्यारे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, कुछ हजार से लेकर कुछ लाख तक का बजट लगाते हैं। दूसरी तरफ है छोटे वेबसाइट ओनर्स और ब्लॉगर्स जो AdSense को यूज करते हैं ताकि गूगल एड्स से आने वाले कस्टमर्स के इन एड्स को इनकी छोटी वेबसाइट्स पर और ब्लॉग्स पर दिखाया जा सके। दूसरी एजेंसी है गूगल AdX वाली जिसमें AdX दोनों साइड पर काम करता है। AdX को यूज करके बड़े एडवर्टाइजर्स लाइक सैमसंग, एप्पल भारी भरकम बजट वाले एड कैंपेन्स चलाते हैं और इसी AdX को यूज करके बड़ी वेबसाइट्स लाइक NDTV, जी न्यूज या फिर एप्स लाइक हॉटस्टार अपनी वेबसाइट पर, अपने ऐप पर इन बड़े एडवर्टाइजर्स के एड्स को दिखाते हैं। सो दो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गई गूगल की, एक छोटे प्लेयर्स के लिए और एक बड़े खिलाड़ियों के लिए। नाउ अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ हजार या इवन 1-2 लाख का भी ट्रैफिक आता है और आपको कोई बोल देता है कि भाई कहाँ AdSense में फंसे हुए हो, गूगल AdX यूज करो, बड़े एडवर्टाइजर हैं, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो समझ जाओ कि अभी वो बंदा गेम समझ नहीं रहा है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन नंबर एक, गूगल AdX का ऐसा कोई साइन अप पेज नहीं होता है जहां लॉग इन किया और काम हो गया। AdX में गूगल खुद से एनरोल करता है और अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है या फिर इनफ ब्रांडिंग नहीं है तो AdX का अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। कॉम्प्लिकेशन नंबर दो, मान लीजिए कि अगर आपका AdX अप्रूव हो भी जाता है तो बड़े एडवर्टाइजर जो AdX से एक एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं वो कीवर्ड्स के बेस पर एड्स नहीं चलाते हैं। AdX पर चलने वाले बड़े एड कैंपेन्स प्रोग्रामेटिक बाइंग करते हैं जिसमें ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट के बेस पर, लोकेशन के बेस पर, जेंडर के बेस पर टारगेट किया जाता है और ये बड़े एडवर्टाइजर्स ऐसी वेबसाइट्स और एप्स को टारगेट करते हैं, वहां पर ऐड दिखाना चाहते हैं जहां पर उन्हें करेक्ट ऑडियंस मिल सके और जिसे वो एनालाइज कर सकें, ज्यादा वॉल्यूम पर मिले। अगर एप्पल को 10 करोड़ के एड्स चलाने हैं तो वो 20 रुपए पर क्लिक खर्च करने का टारगेट अगर लेकर चलते हैं तो उन्हें 50 लाख क्लिक मिलेंगे और 50 लाख क्लिक्स के लिए अगर वो छोटी छोटी वेबसाइट्स पर टारगेट करें, उन वेबसाइट पर अपने ऐड को दिखाएं, तो फिर एड्स रन करने के बाद जो उन्हें डेटा मिलेगा उसको एनालाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारा काम हो जाता है। बट अगर वो यही एड्स NDTV या जी न्यूज जैसी ऐसी वेबसाइट पर चलाते हैं जिन पर मिलियंस ऑफ द क्लिक आ रहे हैं पर डे, तो उनके लिए एनालिसिस ईजी हो जाता है, उनके लिए बजट एक प्रॉब्लम नहीं है, बट डेटा को एनालाइज करना और उससे मिलने वाले ROI को प्रॉपर तरीके से मेजर करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और anyway, अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, आपके एक छोटा ब्लॉग है या छोटी वेबसाइट है उस पर आ रहा है, तो उससे पहले वो NDTV या जी न्यूज या ऐसी किसी बड़ी वेबसाइट पर ऑलरेडी जा चुका होगा। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट को टारगेट नहीं करते हैं वो, तो किसी यूनिक ऑडियंस को वो एक्चुअली में खो रहे हैं। तो बड़े एडवर्टाइजर के साथ में जाने पर उनको फायदा ही होता है। नाउ इस गेम का नुकसान ये होता है कि बड़े एडवर्टाइजर स्मॉल या अननोन वेबसाइट्स पर एड नहीं रन करते, उन्हें टारगेट नहीं करते हैं अधिकतर टाइम।
So, होता क्या है कि आपकी छोटी सी वेबसाइट्स को एड मिलते नहीं है, आपके एड स्पॉट खाली जाते हैं और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अनफिल्ड इंप्रेशन। कॉम्प्लिकेशन नंबर 4, अनफिल्ड इंप्रेशन की प्रॉब्लम बड़ी वेबसाइट्स को भी होती है, लेकिन वो बड़ी वेबसाइट्स अपने एड स्पॉट्स को, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वेंटरी बोलते हैं, उसको फिल करने के लिए एक से ज्यादा डिमांड पार्टनर्स को यूज करते हैं। अब डिमांड पार्टनर्स क्या है? एडएक्स भी अपने आप में एक डिमांड पार्टनर है। सो आपको अपने खाली पड़े एड स्पॉट्स को फिल करने के लिए एडएक्स के अलावा दूसरे डिमांड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, और ये डिमांड पार्टनर्स भी बड़ी वेबसाइट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, ऑब्वियस रीजंस हैं, बेटर रेट देते हैं उन्हें, ना कि छोटी वेबसाइट्स को। कॉम्प्लिकेशन नंबर 5, जिस तरह से एडसेंस के डैशबोर्ड में जाकर आप एड कोड्स निकालकर वेबसाइट में नॉर्मली यूज कर लेते हैं, इस तरह की कोई सुविधा एडएक्स में नहीं है। इनफैक्ट एडएक्स का कोई डैशबोर्ड ही नहीं होता है, AdX आत्मा है, शरीर क्या है? Google Ad Manager। Google AdX की ad supply को use करने के लिए आपको Google Ad Manager को use करना होता है, और Google Ad Manager अपने आप में एक अलग जीव है। अगर आपको ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए जब Google रैंकिंग सिग्नल समझना पड़ता है और वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, या फिर टेक्निकल SEO के वीडियोस में चक्कर आते हैं, तो फिर समझ जाइए, क्योंकि Google Ad Manager में लाइन आइटम्स, यील्ड ग्रुप, प्राइसिंग रूल, इन्वेंट्री रूल, प्राइवेट ऑक्शन, हेडर बिडिंग, और अभी मैंने क्या बोला था, डिमांड पार्टनर, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको टेक्निकल चीजें सीखने, समझने और उसे हैंडल करने में मजा आता है, तो फिर गूगल एड मैनेजर बहुत कूल है। बट इसे सीखना आसान नहीं है और प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज गूगल एड मैनेजर को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बड़ी वेबसाइट चाहिए होगी जिस पर बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्रैफिक आता हो, अदरवाइज प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फरारी चलाने की अगर प्रैक्टिस करनी है तो गली मोहल्ले में नहीं कर सकते, उसके लिए रेसिंग ट्रैक चाहिए, है ना, हाईवे चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए। तो ये एक्सप्रेसवे अगर आपको नहीं मिलेगा तो फरारी खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका स्मॉल या मीडियम साइज का एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है जिस पर डीसेंट ट्रैफिक आता है, 1-2 लाख का ट्रैफिक आता है, और आप किसी ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर आपको एडएक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गूगल एडसेंस को बनाया ही गया है इस तरह की वेबसाइट्स के लिए, ताकि ये वेबसाइट अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सके। हो सकता है कि अभी आपको जो 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर मंथ दिखाई दे रहा है वो आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो एडएक्स वाले एडवर्टाइजर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे और एड रन करेंगे। एडसेंस स्मॉल पब्लिशर्स के लिए, अननोन पब्लिशर्स के लिए बनाया गया है, जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, और एडसेंस के साथ में आपके एड स्पॉट खाली नहीं जाते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे छोटे एडवर्टाइजर्स जो अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए एड रन कर रहे हैं या रीमार्केटिंग टाइप के कैंपेन चला रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पर आकर एड रन कर सकते हैं प्रॉपर्ली, और आपको अपने एड स्पॉट को फिल करने के लिए अलग से जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। सो एडएक्स नाम का हाथी पालने के पीछे मत भागिए, उसका चारा इकट्ठा करने में आपका बहुत टाइम निकल जाएगा, आप अपने ब्लॉग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उस ब्लॉग के एसईओ पर या उस ब्लॉग की मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एडएक्स को अभी के लिए फिलहाल राइट नाउ रहने दीजिए। अब इस कोर्स के साइनअप्स बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट नहीं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको अगले बैच का वेट करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स अगर आप, तो फिर आपके लिए गूगल एड मैनेजर की क्लास होने वाली है, तब आप इसे सीख सकते हैं। हम आपको एडएक्स भी दिखाएंगे और बाकी सारी चीजों से भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो ये था गूगल एडसेंस और एडएक्स के बीच का एक स्मॉल लिटिल कंपैरिजन। एडएक्स बुरा नहीं है, गूगल एड मैनेजर इम्पॉसिबल नहीं है सीखना, लेकिन अगर आप एक स्मॉल पब्लिशर हैं तो एडएक्स वाले वीडियो के पीछे भागने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, वेट करिए थोड़ा सा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन साइट एसईओ की किसी और दूसरी टिप या ट्रिक या किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।